हबीब अल्लाह हमको बुलाना, या रसूल अल्लाह हमको बुलाना। कौल अस्तुतैबा या रसूल अल्लाह, कौल अस्तुतैबा या रसूल अल्लाह। ख्वाबों में देखा, हकीकत में वो मंजर जब सामने होगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा। धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा। दिले बिस्मिल का मुस्तर पर तमाशा हम भी देखेंगे, दिले बिस्मिल का मुस्तर पर तमाशा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना, हमें बुलवाएंगे आका मदीना। हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। कहते जो बोलता है ना उसके बेर बिकते हैं, हैं कहते हैं ना कि जो बोले उसके बेर बिकते हैं। तो जिसको चाहिए आधी तो मांग भी लेना, शर्माने की लोड़ नहीं है, यानी शर्माने की लोड़ नहीं है। हाँ जी, अब तंगी है दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बात था, और भी कुछ मांग। हमको बोला या रसूल अल्लाह, हमको बोला। कभी कभी आती है, हाँ जी, जब आती है तो फिर ओहो। जब आती है तो क्या करते हो? फौरन घर के अंदर फौरन छतरी ले ली, कोई शेरो ले लिया, ऐसे करते हो ना। लेकिन खुदा की कसम, मदीना मुनव्वरा में जब बारिश आती है तो आशिक घरों में नहीं रहते, छतरी भी नहीं लेते। वो तो जैसे बारिश आती है दौड़ते, जल्दी पहुंच जाओ गुम्बद खजरा के पास, खड़ा हो जाओ कि गुम्बद खजरा को बूंदे छू छू के आए और हम पर बरस पड़े। बरसती गुम्बद खजरा को वो छूती हुई बूंदे, बरसती गुम्बद खजरा को वो छूती हुई बूंदे, वहां पर शाम से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। वहां पर शाम से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना, हम भी देखेंगे। हमको बुलाना आका, हमको बुलाना मिसाल के तौर पर खास करूंगा। आज भी हमारा जो मामला है, जो मोहज़ब लोग होते हैं, जो उनके दर के गदा हैं, जो उनके दर के सग हैं, उनका भी ये आलम होता है कि घर पे कोई आए ना मेहमान तो उसको ऐसे ही नहीं भेजते हैं जी, उसकी मेहमान नवाजी की जाती है। अच्छा नहीं समझते घर सा, घर से कोई मेहमान ऐसे चला जाए बगैर कुछ खाए पिए, बगैर कुछ लिए। ये होते हैं मोहज़ब लोग, जो मेहमानों की कदर करते हुए जब मेहमान रुखसत होता है तो अपनी हैसियत से उनको नमाज देते हैं। हमको भी अच्छा नहीं लगता कोई चला जाए ऐसे, कोई आता घर में कोई इत्र पड़ा हुआ कोई दे दिया, कुछ ना कुछ दे दिया। ये होते महज़ब लोग। तो जब उनके दर के कुत्तों का ये आलम, तो फिर जो जो वो साहिब दर हो उनके दरबार में कोई जाए तो वो कैसे खाली आए, उनको कैसे गवारा होगा कि उनके दर पे आया हुआ कोई भिखारी बगैर कुछ लेके जाए। सब कुछ वहीं से मिलता है, याद रखना इस बात। लोग कहते हैं हम जाते हैं तो हमें मिलता है, लोग तुमको पता ही नहीं तो कब क्या मिला। मैं अपना जाती मुशाहिदा कर, मैं अपना जाती मुशाहिदा कि हम जो जाते हैं ना, टिकट बाजार हम खरीदते हैं, वीजा बाजार हम लगवाते हैं, होटल में रुकते हैं पैसे हम देते हैं, वहां खाते हैं पैसे हम देते हैं, और बाजार हम देते हैं। और मेरे घर में आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आए रहे
खाए अपना, पिए अपना, हमको कैसा लगेगा? वो कहे मैं खाऊंगा पैसे दूंगा, मैं रहूंगा इसके लिए पैसे दूंगा, मैं पानी पीऊंगा इसके लिए पैसे रहूंगा, हमको अच्छा लगेगा? तो बजाहिर तो हम दे रहे हैं, लेकिन मेरे आका देख रहे हैं कि आया मेरे घर में, आया मेरे दरबार में, पैसे खर्च अपने किए, वैसे पैसे भी उन्हीं के हैं, यह सब कुछ नहीं का, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं, अपनी अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, लेकिन मेरे आका देख रहे हैं कि खर्चा सब ये कर रहा है, लेकिन मेरे आका जब गुजारा होता ना पैसा नवाजते, मैं कहता हूं जितना खर्चा किया होता उससे कई गुना ज्यादा मिल जाता। एक दफा मैं नियाज की मदीने मुनव्वरा में, सुभान अल्लाह, तो नियाज पकवाई, मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं 12-15 साल पहले की बात, कैसे ज्यादा हो गया होगा, नियाज पकवाई, नियाज बाटी, तो जहां नियाज बनाई थी ना तो उसका एक पतीला था वो कहीं गुम हो गया, तो उसकी मालियत थी कोई 100-150 या 200 शायद कोई उसका रियाल था उसका, तो अब सब परेशान थे कि क्या करें, मैंने दे दिया, मुझे बता मैं दे तो रहा हूं, वो देख रहे वो बनो ना दीवाने बनो, क्या बात है, मैंने दे दिया और मुझे उससे कई गुना ज्यादा मिल गया। मेरे प्यारे भाई बाजार खर्चा हम करते हैं, लेकिन अल्लाह हमें आका इतना नवाज देते हैं, कोई बताओ कोई ऐसा बंदा जो वहां से आकर आया हो गरीब हो गया, वहां से आने के बाद हर कोई की तरक्की होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखे जिंदगी के अंदर बड़े से बड़े गरीब देखे जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, मदीने पोते में पहुंचे हुए, और एक दफा नहीं कई बार, वहां एक दफा बंदा पहुंच जाए बस। मैं आपको गौस पाक के दर की बात बताऊं, जो गौस पाक है ना, गौस पाक फरमाते हैं, सुनो तवज्जो, मेरे गौस की बात आ जाए ना तो बहुत तवज्जो दिया गया, मुझे गौस पाक से बड़ी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मोहब्बत इसलिए कि उनको मोहब्बत है, अगर वो मोहब्बत ना करते तो मैं मोहब्बत कब कर सकता, हुजूर को हमसे मोहब्बत है इसलिए हमको हुजूर से मोहब्बत है, अगर हुजूर मोहब्बत ना कर रहे होते हमसे तो आज यहां थोड़ी बैठे, सुन लो ये पता ही बात कर रहा हूं। तो गौस पाक फरमाते हैं कि ए तौबा के तलबगारो, ए अफ़ के तलबगारो, आ जाओ मेरी बारगाह में, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी बारगाह में आ जाओ, रोजा रोज नहीं आ सकता, हफ्ते में एक बार आ, हफ्ते में एक बार नहीं आ सकता, महीने में एक बार आ, आ और महीने में एक बार भी नहीं आ सकता, साल में एक बार आ, और साल में भी एक बार नहीं आ सकता, जिंदगी में एक बार आ, मेरे पास आ और फिर मुझसे हजार नेमतें लेके जा, लेकिन जब आ ना तो खुद को खाली करके आ, खुद को कुछ समझ के नहीं आना, खाली होकर आना, और खाली होकर आ और मुझसे हजार नेमतें लेके जा, तो जिनके शहजादे का ये आना कि उनकी बारगाह में कोई चला जाए तो हजार हाँ नेमतें लेके जाए, तो जो शहजादा है, जो गौस पाक की भी जद्दे आला है, जो नाना है, जो दादा है, उनका क्या आलम होना है। इसीलिए शायर ने कहा कि दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, वहां बैरात का पटना खुदाया हम भी देखेंगे, वहां बैरात का पटना खुदाया हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आ मदीना, हमें बुलवाएंगे आ मदीना, हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, और गुजारे रात दिन अपने इसी उम्मीद पर हमने, गुजारे रात दिन अपने किसी उम्मीद पर हमने, किसी दिन तो जमाले रूए ज़ेबा हम भी देखेंगे, किसी दिन तो जमाले रूए ज़ेबा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, और पहुंच जाएंगे जिस दिन
کر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے